नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और बात समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव और उनकी राजनीति के आसपास केंद्रित होगी और उनकी राजनीति के ऊपर बात करते हुए दो बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीबीआई ने समन भेजा है, पेश होने के लिए बुलाया था और आज ही के दिन उन्हें पेश होना था। क्यों बुलाया, क्या इसके पीछे की राजनीति है और क्या अखिलेश यादव जी की राजनीति है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ बात उनकी पार्टी के उन तमाम विधायकों नेताओं की बात करेंगे जिनकी अंतर आत्मा जाग गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देते हुए दूसरे खेमे में जाना स्वीकार कर लिया। तो ये अंतर आत्मा की पूरी कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे और इस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और समाजवादी पार्टी की रणनीति पर इसका कितना असर होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। 4 PM देख रहे हैं आप और आप सबके वजह से 3 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। एक छोटा सा सहयोग, एक बातचीत संजय शर्मा जी के कहने पर हम जैसे लोग भी अपने विश्लेषण के साथ इस चैनल के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश और अब तो पूरे देश में इन्हें देखा और सुना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से मेरा अपना एक रिश्ता है कि मेरी अपनी पैदाइशी जमीन और उस उत्तर प्रदेश का 4 PM चैनल, आपका प्रेम आपका प्यार, इसलिए विश्लेषण के साथ हम अपनी राय आपसे साझा करते हैं और अपनी बातचीत को आपके सामने रखते हैं। तो आज की बातचीत उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही है और वो राजनीति का केंद्र इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की राजनीति पर है। जब भी देश में तानाशाही रवैया होता है, जब भी देश में तानाशाही शासन की प्रवृत्तियां उभरती हैं, ऐसे वक्त में सत्ता अगर किसी के ऊपर केस करे, मुकदमा करे या जेल में भेजे, तो इसे इस रूप में माना जाना चाहिए कि ये आपके ऊपर तमगा है, ये बैच ऑफ ऑनर है। अगर आज के वक्त किसी के ऊपर केस मुकदमा हो रहा हो, अगर आज के वक्त किसी को ईडी और सीबीआई नोटिस दे रही है, अगर आज के वक्त कोई जेल में है इस मौजूदा वक्त में, तो यकीन मानिए उसे अगर करीब से देखेंगे तो वो आम आवाम के हक और अधिकार की लड़ाई को बुलंद करने की कोशिश करता नजर आएगा। देश भर में तमाम लोग ऐसे हैं जो आज रेवड़ी मलाई और इन तमाम लालचों में, डर में झुक गए और दिल हार गए, दल हार गए। ऐसे वक्त में जो नेता ईडी और सीबीआई की नोटिस के बावजूद न डिगे न डरे, वो नेता आप यकीन मानिए जनता के पक्ष में खड़े हैं। और जब भी इस तरह के तानाशाही दौर आते हैं, जब भी सत्ता राजनीति में चुनाव लड़कर के अपने प्रतिपक्षी को हराने की बजाय उसका मूल फर्ज बन जाता है कि अपने प्रतिपक्षी से, सामने से चुनाव लड़के शिकस्त देने के बजाय पीछे से हमला करे, उन्हें तमाम साजिशों के साथ विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करे, जिन पर कल तक आरोप लगा रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो परिवारवादी हैं, वो अन्याय अत्याचारवादी हैं, उन सारे लोगों को अपनी पार्टी में मिला ले, या जो न डरे न झुके, यानी जो किसी पद की लालच में, किसी सेटिंग की लालच में आपके साथ ना आए, उन्हें जेल में भेज दो ईडी और सीबीआई भेज करके। तो राजनीति का यह जो चरित्र आ रहा है, इसमें जिन नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की नोटिस आए, जेल में जाने का डर सताया, वैसे नेता अगर बिना डरे आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि लखनऊ में पेश होऊंगा, आपने नोटिस भेजी, हमने अपना जवाब लिखकर भेज दिया, सीबीआई को भेज दिया,
मामला 2014-15 के आसपास जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और खनन मंत्रालय या 13-14 के आसपास की बात होगी उनके अंडर में आया करता था, तो किसी कागज पर दस्तखत को लेकर के कोई एक सामान्य सा मामला और जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि खनन घोटाला हुआ है और खनन घोटाले पर सीबीआई ने नोटिस भेज दिया कि आपको 29 फरवरी को दिल्ली में पेश होना है। उन्होंने लिखित जवाब अपना भेज दिया कि हम लखनऊ में पेश होंगे, कागज हमने भेज दिया और इसकी जांच आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो हो गया उसका कानूनी पहलू, लेकिन उसका राजनीतिक पहलू ये है कि राजनीति में जिसको आप डरा नहीं पा रहे हैं, जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसको आप अपने में मिला नहीं पा रहे, अब उन्हें तमाम लोकतांत्रिक एजेंसियों से परेशान करने की कोशिश की जाए। और यह केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हो रहा। अगर आप भूले ना हो तो अभी हाल ही में दो मुख्यमंत्रियों का चेहरा आपको याद आएगा, एक जो समझौता परस्त हो गए और पलट गए, बिना मिट्टी में मिले, बिना मरे, बिना किस कुछ किए उनके लिए खिड़की दरवाजे खोल लिए गए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, और दूसरे मुख्यमंत्री का चेहरा आपको याद आएगा, हेमंत सोरेन, झारखंड का एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आंख में आंख डाल करके लड़ने वाला आज जेल में डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी ने खुलेआम घोषणा कर दी कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप गठबंधन मत करिए वरना आपको ईडी सीबीआई का सम्मन भेजेंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। तेजस्वी यादव, उनके ऊपर इतना जुल्म और ज्यादती और तेजस्वी यादव के ऊपर इतना ईडी 11-11 घंटे तमाम लोगों को जेल में डालने की कोशिश, ईडी से पूछताछ, लेकिन वो तेजस्वी जनता के बीच उतर गए। तो अखिलेश यादव के ऊपर यह जो नोटिस आई है पहले भी आई थी और अब इस नोटिस का आने का मकसद यह है कि वो अखिलेश यादव भी गठबंधन तोड़ दे, अखिलेश यादव भी बीजेपी से लड़े नहीं, अखिलेश यादव भी समझौता कर ले, अखिलेश यादव ऐसे चुनाव लड़े जैसे बाकी लोग लड़ते हैं, बीजेपी का फायदा हो जाए। वह क्यों पीडीए की बात करने लगे, वह क्यों 90% आबादी को उनका हजारों साल के अन्याय अत्याचार से जो हकमारी हुई है उस हकमारी को दिलाने की बात बार बार क्यों कहने लगे, वो सामाजिक न्याय की बात क्यों करने लगे, वो जाति जनगणना की बात क्यों करने लगे, वो संविधान को बचाने के लिए 24 के चुनाव को इतना अहम बताकर जनता के बीच जाकर के जनता के बीच अपने संगठन को भेज करके महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों का अग्निवीर योजना, वहां से लेकर के किसान तक के सवाल को क्यों उठा रहे। इसलिए भेजो अब सीबीआई अखिलेश जी के पीछे, भेजो अब ईडी अखिलेश जी के पीछे और इनको तोड़ लो और इनको कमजोर करो, डराओ। लेकिन आज की गतिविधि से ये साफ दिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय कर लिया है कि इस तानाशाही सरकार से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, और पीडीए के जरिए, सामाजिक न्याय के जरिए, जाति जनगणना के सवाल के साथ, किसान नौजवान के सवाल के साथ चुनाव में जाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। और यही बात अखिलेश यादव की राजनीति की उनके दल के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई और जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव अपने सामने देखा तो अचानक से उनकी अंतरात्मा जाग गई। अंतरात्मा भारतीय राजनीति की एक ऐसी स्याह गली है, एक ऐसा रूप है, एक ऐसा कहानी है, कब किसकी अंतरात्मा जाग जाती है यह तो पता ही नहीं चलता। हर बार चुनाव के समय क्यों यह अंतरात्मा जागती है, हर बार जो है किसी सत्ताधारी दल के पक्ष में जाने के लिए ही क्यों अंतरात्मा जागती है, हर बार इस तरह की चीजों में ही अंतरात्मा क्यों जागती है जब लाभ का पद लेना होता है। और इस बात को यहां से समझना बहुत जरूरी है कि कैसे अंतरात्मा को लेकर के ये पूरी की पूरी लड़ाई खड़ी की गई। अच्छा, हुआ क्या, किस्सा यही है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का जब चुनाव की वोटिंग होने लगी और राज्यसभा में चुनाव की वोटिंग के समय जब तय हुआ कि समाजवादी पार्टी के पास 3 राज्यसभा सांसद जिताने के लिए कोशिश की जा रही थी, 3 राज्यसभा सांसदों में से कुछ वोट कम पड़ रहे थे और उन कुछ वोटों को कम पड़ता देख, जो क्योंकि बीच में आरएलडी का दल और दिल दोनों जीत लिया गया था, आरएलडी का दल और दिल जीतने की वजह से यह जो 9 विधायक आरएलडी के थे
वो कम हो गए, वो वहां से हट गए और सपा के गठबंधन से वो 9 विधायक अलग उठ गए। तो फिर भी तमाम समीकरणों के साथ 2 विधायक कम पड़ रहे थे और बीजेपी के पास 8 विधायक कम पड़ रहे थे। कल्पना करिए, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन याद रखिएगा, और यहां से आपको लोकतंत्र और उसके ऊपर आने वाले खतरे पर बात होगी, और इस खतरे के जरिए आप इस बात को समझें कि असल में कहानी क्या है। चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर से वोट पड़ा ना, और ऐसे कैमरे की तरफ देख करके जब बैलेट पेपर पे चोरी थी तो कैमरे की वजह से पकड़ी गई, और जब सरकार ने उस चोरी को सिनाजोरी बना करके पेश किया तो न्यायालय कम से कम इतना बचा था कि उसने उस लोकतंत्र की हत्या होने से रोक दिया। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया। तो लोकतंत्र किस तरह से खत्म किया जा रहा है? अगर आपके विधायक जितने हैं उतने विधायक पर आप जीतते, लेकिन विधायकों की अंतरात्मा जगाई जाती है। तो 8 विधायक चले गए, 1 या 2 विधायक गैर हाजिर रहे जो पीडीए वाले हैं, 1 आध 2 विधायक जिनमें से किसी को पैकेज मिला। अखिलेश यादव जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा पैकेज मिला, खूब बड़ा पैकेज मिला, घर का पैकेज मिला, बड़ी राशि मिली, क्योंकि 8वां कैंडिडेट जो बीजेपी का था वो सेठ था, और जब कोई सेठ राजनीति में आता है और सत्ताधारी दल किसी की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करती है तो अंतरात्मा 2-3 वजहों से जागती है भारतीय राजनीति। पहली वजह है जेल जाने से बचना, केस मुकदमा वापस लेना, ये सबसे पहली शर्त होती है अंतरात्मा जगाने की। अगर आपके ऊपर कोई पुराना मुकदमा है, अगर आपके ऊपर कोई जेल जाने का रास्ता दिख रहा है, अगर आपके ऊपर कोई जमीन का कागज है, अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि आप जेल में जा सकते हैं, तो उससे अंतरात्मा को जगा दिया जाता है। दूसरा कारण, पद, आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे, आपको राज्यसभा भेज देंगे, आपको तमाम तरह के ओहदे दे देंगे, आपको कमेटी में शामिल कर लेंगे, आपको तमाम चीजों में शामिल करके आपको बड़े ओहदे दे देंगे। तो पद से अंतरात्मा जगाई जाती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पैसे से। कितना चाहिए आपको अंतरात्मा जगाने के? अच्छा, जिसकी अंतरात्मा जितना गहरी सोई होती है नींद में, वो उतनी ही ज्यादा बोली लगा करके अपनी अंतरात्मा को जगाता है, और ये भारतीय राजनीति में नया नहीं है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में अंतरात्मा को जगा करके एक सेठ के राज्यसभा चुनाव में जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों को क्रॉस वोटिंग करा दी गई, और उसमें से वो नेता 8 में 5 वो नेता थे जो पीडीए की राजनीति के बाहर थे। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी वैचारिक राजनीति पर खड़ी है जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा है। बीजेपी धर्म के नाम पर गोलबंद करती है। बीजेपी चाहती है कि सब लोग मंदिर या मस्जिद के नाम पर वोट दें। बीजेपी चाहती है कि हर देश का नागरिक इस बात को देखे कि कौन राम का विरोधी है, कौन राम का नहीं है, कौन मंदिर गया, कौन नहीं गया, और उससे जोड़ करके उसके लोकतंत्र का सबसे बड़ा निर्णय कि आप अपना वोट किसे देंगे, ये कोई सामान्य निर्णय नहीं होता लोकतंत्र। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा निर्णय है। अगर वोट प्रभावित हो जाए, वोट किसी गलत मुद्दे के आधार पर दे दिया जाए, वोट बरगला कर दिया दिलवा लिया जाए, वोट खरीद या बेच लिया जाए, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, या वोट के चोरी कर ली जाए। सोचिए, एक अकेला सब पर भारी, लेकिन उसको अगर 8 MLA चाहिए तो सीधे सीधे वो दूसरे के MLA को ले रहा है अपने पाले में। अच्छा, कोई ऐसे अंतरात्मा तो बाहर से जागती है, आंख में पानी चाहिए होता है, और वो पानी देश की राजनीति में खत्म हो चुका है, और इसलिए ये अंतरात्मा कहने की बात होती है। कभी अपनी पुलिसिया इनकाउंटर की कहानी अखबार में पढ़िए। एक अपराधी सामने से आ रहा था, मुखबिर ने इशारा किया, सामने से आते हुए उस मुखबिर को जब इशारा पाया गया तो पुलिस गश्ती दल ने उसे रोकने की कोशिश की, उनमें से उन्होंने हमला कर दिया। जवाबी हमले में एक अपराधी मारा गया और उसका साथी भागने में
कामयाब रहा। 99% इनकाउंटर की कहानियां ऐसी ही होती हैं। और इस तरीके से जो इनकाउंटर की पूरी कहानी है वह यह बताती है कि असली कहानी कुछ और होती है। राजनीति उसका सबसे बड़ा अड्डा है जहां असली कहानी क्या है यह सबको पता है। वो सबको पता है कि किसकी जमीन किस जिले में खरीदी गई थी, कौन किस पद की लालच में किस टिकट के लिए किस बिल्डिंग के लिए किस चीज पर बिका है। लेकिन कहने के लिए उसके पास एक अंतरात्मा है और इस अंतरात्मा की राजनीति वह पार्टी कर रही है जो अकेले 400 पार लाने का दावा करती है। इस तरह के अंतरात्मा की आड़ में वोट की खरीद फरोख्त की राजनीति वह पार्टी कर रही है जो कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास जो नेतृत्व है वो दुनिया का सबसे ताकतवर नेतृत्व है। तो उसे गठबंधन तोड़ने की कोशिश करनी पड़ रही है। इंडिया गठबंधन का सूत्रधार कौन है? नीतीश कुमार, तोड़ के अपने पास लाओ। अच्छा भाई, महाराष्ट्र में कौन है? शरद पवार की पार्टी, उनके भतीजे को जो जेल में चक्की पीसिंग तोड़कर अपने पास लाओ। अच्छा भाई, असम में कौन मुख्यमंत्री है? अरे भाई, वो तो भ्रष्टाचारी, उसके ईडी जांच हो रही है। अच्छा, जब से वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया ईडी भी कोई जांच नहीं हो रही, ये तोड़कर अपने पास लाओ। ये कौन पार्टी कर रही है? देश के सबसे, और गृह मंत्री अमित शाह इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपने अधिकार में काम कर रही। पत्रकार बैठा होता है तो पत्रकार बिना तैयारी के डरते हैं जैसे गृह मंत्री के सामने। पत्रकार के पास वो दस्तावेज नहीं था जिसपे वो बताती जब गृह मंत्री बोले थे कि 95% कन्विक्शन नॉन पॉलिटिकल लोगों का है, तो 5% पॉलिटिकल लोग में कौन पॉलिटिकल पार्टियां। पत्रकार क्यों ये तैयारी करके नहीं बैठा था कि अगर 100 के ऊपर के मुकदमे ईडी ने दायर किए हैं पिछले कई सालों में, तो उन 100 में से 99% मुकदमे केवल विपक्षी दलों के खिलाफ क्यों, ईडी सीबीआई जैसे अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों मुकदमे? और जैसे ही वो कोई नेता बीजेपी ज्वाइन कर ले उसके सारे मुकदमे खत्म हो गए। तो अंतरात्मा की आवाज इसलिए जगाई और बंद की जाती है। और अंतरात्मा जागना विचारधारा पर है। अखिलेश यादव जी की पार्टी की तरफ से विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे नेता मनोज पांडे कहते हैं कि राम मंदिर जाने से रोका गया। और वही मनोज पांडे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर लगातार हमलावर थे कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, धर्म के विरोध में काम हो रहा है। और वही मनोज पांडे जिनसे पूछा जाए कि वो पीडीए से चुनाव जीतते थे कि सपा किससे चुनाव जीतते थे, सपा ने पिछले 30 साल में उनको क्या क्या दिया, लेकिन वो नहीं माने। बीजेपी में चले गए तो उनकी अंतरात्मा जाग गई। कोई नेता कह रहा था कि मुलायम सिंह जी जेल से टिकट दे दिए थे और उनका जिंदगी भर आसान रहेगा, जब कह देंगे छोड़ के चले जाओ तो चुपचाप घर बैठ जाएंगे, पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। वो सारे विक्ट्री साइन बना रहे थे उस पार्टी के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। इसका भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति पर यह असर होने जा रहा है कि बीजेपी की धर्म की राजनीति के ऊपर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सामाजिक न्याय की राजनीति, आर्थिक न्याय की राजनीति, राजनीतिक न्याय की राजनीति, जाति जनगणना और 90% वंचित समाज को, ओबीसी एससी एसटी को उनका हक दिलाने की राजनीति, संविधान को बचाने की राजनीति भारी पड़ती दिख रही है। और ऐसे वक्त में सबसे बेहतर निर्णय यह होता है कि जितने लोग डरने वाले हैं वो सब सत्ता के साथ चले जाएं। कोई डर के, कोई बिक के, कोई लालच में, या कोई इस विचारधारा से सहमत नहीं है कि पीडीए की बात क्यों करते हो, संविधान की बात क्यों करते हो, तुम भी राम राम की बात क्यों नहीं करते, तुम काम की बात क्यों करते हो, तुम लोगों को हक और अधिकार दिलाने की बात क्यों करते हो, तुम न्याय की बात क्यों करते हो। अगर तुम ये सारी बात करोगे तो हमारी अंतरात्मा जाग जाएगी, और जैसे ही हमारी अंतरात्मा जाग जाएगी हम सत्ताधारी दल के खेमे में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक लकीर खींच करके अब खड़ी होने वाली। पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य या राम गोविंद चौधरी या जितने भी नेताओं को आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के पास ऐसे कई का दावा, लौटन राम निषाद से लेकर के राजपाल कश्यप, आप मिठाई लाल भारती से लेकर के नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी से लेकर के तमाम नेता जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति एक विचारधारा में लकीर खींचकर राजनीति है जिसमें पल्लवी पटेल जैसे लोग बाद में आकर के साथ में खड़े होते हैं आलोचना के बावजूद। और यही पीडीए एनडीए को हराएगा। इस लाइन पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गोलबंद हो रही है। और अगर इस लाइन पर समाजवादी पार्टी ने
50% भी उस 90% आबादी का वोट अपनी तरफ लाने में कामयाबी, यानी आधा वोट अगर अपनी तरफ लाने में कामयाबी हासिल कर ले, तो चाहे सीबीआई की नोटिस हो, वो तो तमगे की तरह, अब अखिलेश यादव उसे तमगे की तरह बस अपना रथ लेकर निकले जिस दिन, अब कल्पना करिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सैलाब होगा। और अगर बीजेपी के पास हिम्मत है तो अखिलेश यादव को गिरफ्तार करके दिखाए। अगर बीजेपी चाहती है कि ये घोटाला हुआ है और उस पर सजा मिलनी चाहिए, तो अखिलेश यादव को गिरफ्तार करके दिखाए, फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर क्या होगा। कैडर बेस्ड पार्टी, विचारधारा पर खड़ी और अडिग पार्टी, समाजवाद का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, पीडीए का मतलब क्या है, उस विचारधारा पर खड़ी पार्टी, और अगर उनके नेता को एक बार इस तरह की चीजों में ले आया गया, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो बची कुछ है वो भी बदल जाएगी। और बहुत जल्द ऐसा करना चाहिए अखिलेश यादव जी को जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या जो खुद अखिलेश यादव जी अपनी जमीन पर अपनी बात को पहुंचाने के लिए उतरेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ये राजनीति बदल रही है। उत्तर प्रदेश की आने वाले चुनाव में सीधे इसका असर देखने को मिलेगा, और लकीर खींच कर विचारधारा की राजनीति है, और विचारधारा से राजनीति ही बीजेपी और आरएसएस को रोकने में कामयाब होगी। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। आज 4 PM के ऑफिस से आपके साथ ये विश्लेषण कैसा रहा, इसकी जवाब टिप्पणी और इसका सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।